खरगोन जिले के गोगांव में एक युवक ने 6 अगस्त को मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थलों को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर मुस्लिम समाज भड़क गया और सैकड़ों की संख्या में लोग गोगांव थाने पहुंचे तथा युवक के विरुद्ध FIR दर्ज कर उसको गिरफ्तार करने की मांग की। मामले को बढ़ता देख खरगोन के कलेक्टर गोपाल चंद दाट और SP शैलेंद्र सिंह चौहान गोगांव थाने पहुंचे, जहां पर वरिष्ठों से बात कर मामले को शांत करने की बात कही। मिली जानकारी के अनुसार हेमंत हिंदू नाम के युवक ने गुरुवार को फेसबुक पर लिखा था कि यह तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और भी बहुत से आपत्तिजनक पोस्ट किए थे। इस युवक ने गोगांव जामा मस्जिद के साथ शीतला माता मंदिर की फोटो भी लगाई थी। इसी को लेकर गोगांव में मुस्लिम समाज जन बड़ी संख्या में गोगांव थाने पहुंचकर युवक के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की। लगभग 4 घंटे तक भीड़ गोगांव थाना परिसर में बनी रही और युवक के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार करने की मांग करते रहे। थाना परिसर में युवक की गिरफ्तारी की मांग पर लौटते समय फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक की दुकान पर कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ भी की। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और भीड़ खदेड़ते हुए बाजार बंद करवाया। आज शुक्रवार को भी गोगांव बाजार पूरी तरह से बंद रखा गया। मुख्य स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।